हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और मेरे चैनल में अब सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें जो कि आपकी काम की हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, सर्दी की मौसम आने ही वाला है, क्योंकि हमारी स्किन हो गया है थोड़ा सा रूखा सूखा, थोड़ा सा ड्राई। तो रूखा सूखा ड्राई स्किन के लिए सबसे अच्छा इलाज होता है सर। हम लोगों को सर्दी की मौसम में मिनिमम 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, तभी हमारी स्किन अंदर से हाइड्रेट रहेगा। और ये कौन नहीं जानता, हाइड्रेटेड स्किन ना सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, साथ ही साथ वो बहुत अच्छी तरह से अदर इन्फेक्शन से, अदर एक्सटर्नल जो प्रोसेस होता है उससे भी अच्छी तरह से फाइट कर सकता है। सर्दी के मौसम में मैं प्रेफर करती हूँ मलाई के साथ थोड़ा सा बेसन एंड थोड़ा सा शुगर को मिक्स करके इस्तेमाल करना। ये मिक्सर ना सिर्फ मेरी स्किन से डट्स को दूर भगाता है, साथ ही साथ मेरी स्किन को सॉफ्ट भी बनाता है। सर्दी के मौसम में पर्सनली बॉडी वॉश इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करती हूँ, पर मेरा हस्बैंड जो है वो सर्दी के मौसम में बॉडी वॉश तो नहीं इस्तेमाल करता है एक साबुन। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, साबुन हमारी स्किन से एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत इजी। तो सर्दी के मौसम में हम लोगों को साबुन बहुत ही समझदारी से ही चॉइस करना पड़ता है। तभी मैंने अपनी फैमिली के लिए आजमाया है ग्लिसरीन साबुन। ग्लिसरीन साबुन में होता है ह्यूमिडाइट नामक एक केमिकल, जो कि हमारी स्किन से वाटर को आसानी से इवेपोरेट नहीं होने देता। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ पियर साबुन, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में ग्लिसरीन होता है और इससे हमारी स्किन भी रहता है सॉफ्ट। तो दोस्तों, अगर आपको सर्दी के मौसम में साबुन इस्तेमाल करना ही है तो ग्लिसरीन युक्त साबुन का ही इस्तेमाल। तो दोस्तों, कैसा रहा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा ये चैनल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, प्लीज मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के पास फिर से वापस आती हूँ एक नई वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, खुश रहिएगा।